हेलो फ्रेंड्स, मैं सयूम एंड आई एम हेल्थ कंसल्टेंट। एंड आज मैं बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक पर जो कि हर एक घर में डिबेट का मुद्दा बनता है कि इंडिया में कौन सा कुकिंग ऑयल बेस्ट है। देखिए, कुकिंग ऑयल सिर्फ खाना पकाने का मीडियम नहीं होता है, ये हमारे हेल्थ का भी एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है। और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर करूंगा जो आपको असल में सही कुकिंग ऑयल चुनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आप अल्टीमेटली जान पाएंगे कि आपके लिए कौन सा कुकिंग ऑयल सबसे बेस्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी कुकिंग ऑयल्स के बारे में पूरे डिटेल से। शुरुआत करते हैं रिफाइंड ऑयल्स से। दोस्तों, रिफाइंड ऑयल सुनकर के लगता है कुछ बहुत ही हेल्दी सी चीज होंगी और इन ऑयल्स में से जितने भी बुरी चीजें हैं, जितने भी इंप्यूरिटीज हैं, उनको निकाल दिया होगा और इसी वजह से ये जो है सेहत के लिए अच्छी होंगी। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। रिफाइंड ऑयल्स बेसिकली वो ऑयल्स होते हैं जो कि एक स्पेशल प्रोसेस से होकर के गुजरते हैं और इस प्रोसेस के अंदर इन ऑयल्स को क्लियर, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और लॉन्ग लास्टिंग बनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रोसेस में इन ऑयल्स को बहुत सारी ऐसे प्रोसेसेस से होकर गुजरना पड़ता है जिससे इनके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाता है। रिफाइनिंग का जो प्रोसेस होता है इनरोल करता है हाई हीट, ब्लीचिंग और फिर डीऑर्डराइजिंग। इस प्रोसेस के अंदर ऑयल्स का जो नेचुरल विटामिन होते हैं, इनके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, ये खत्म हो जाते हैं और इसी वजह से ये किसी काम का नहीं रह जाता है। इनफैक्ट रिसर्च बताती है कि रिफाइंड ऑयल्स में हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग की वजह से कई बार ट्रांस फैट्स भी बढ़ जाता है और ये ट्रांस फैट्स हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बेहद नुकसानदायक होता है और हार्ट डिजीज का खतरा को बढ़ा देता है, इसके रिस्क को बढ़ा देता है। वैसे अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, रिफाइंड ऑयल्स खराब है हमने मान लिया, लेकिन ये तो बताइए कि कौन सा ऑयल हमें यूज करना है। मार्केट में जितने भी ऑयल्स आजकल मिलते हैं सबके सब रिफाइंड ही हैं, तो फिर ऐसे में हम क्या करें? क्योंकि इंडिया में हम लोग रहते हैं और हमें खाना बनाने के लिए ऑयल तो चाहिए चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो चलिए, आपकी ये दुविधा भी हम दूर कर देते हैं और जानते हैं रिफाइंड ऑयल्स के एक हेल्दियर अल्टरनेटिव के बारे में जो कि है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स यानी कि कच्ची घानी का तेल भी जिनको कहा जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि ये होती क्या चीज है। तो दोस्तों, कच्ची घानी मेथड हमारे इंडिया में बहुत ही पुराने जमाने से यूज होता आया है, पर अभी कुछ कुछ जगहों पे, खास करके गांव देहात में इसका यूज होता है। इस मेथड से तेल को निकाला जाता है। इस प्रोसेस में सीड्स को लो टेम्परेचर पर प्रेस किया जाता है जिससे इनमें से ऑयल निकलने लग जाता है। इस प्रोसेस में हाई हीट या फिर हार्श केमिकल्स का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाता है जिससे ऑयल अपने नेचुरल न्यूट्रिएंट्स को रिटेन करता है, ज्यादा हेल्दी बनता है। ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि इन ऑयल्स में ट्रांस फैट्स बहुत ही कम होते हैं या फिर कहो तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं, जो कि रिफाइंड ऑयल्स में आपको भर भर के मिलेंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं दोस्तों कि हेल्दी रहने के लिए अपने किचन में, अपने खाने पीने की चीजों में सबसे बड़ा बदलाव क्या लाना चाहिए, तो मेरा जवाब है सबसे पहले आप अपने कुकिंग ऑयल्स को बदलिए एंड स्विच टू कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स। क्योंकि ऑयल एक ऐसी चीज है दोस्तों जो कि हम हर रोज खाते हैं, दिन में दो दो तीन तीन बार खाते हैं, हर तरह के खाने में इसका इस्तेमाल होता है, कभी कम कभी ज्यादा। तो यह एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप बदल देंगे तो सेहत के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स की जब बात आती है तो इनमें सबसे पहला ऑप्शन आपके पास होता है ग्राउंड नट ऑयल यानी कि मूंगफली का तेल। अगर स्टैटिस्टिक्स पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि करीब 21% इंडियंस मूंगफली का तेल खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर इसके न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की बात करें तो इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स का एक बहुत ही अच्छा बैलेंस होता है और ये फैट्स हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है। इसके साथ ही इसमें विटामिन ई भी होता है जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है और उम्र के असर को कम करता है। यही नहीं, ग्राउंड नट ऑयल का स्मोक पॉइंट भी हाई होता है दोस्तों, जो कि इसको इंडियन डिजीज और खास तौर पर फ्राइंग के लिए एक परफेक्ट चीज बनाता है। स्मोक पॉइंट अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, है ये वो टेम्परेचर है जिस पर ऑयल को गर्म करने से ऑयल के अंदर से ब्लूइश स्मोक उठने लगती है और इससे जो ऑयल की जो फैटी एसिड होती है ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो क्वालिटी है वो पूरा खराब हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपनीज हैं, ये कंपनीज बड़ा स्मार्टली प्ले करती है मार्केट में।
क्योंकि पीनट ऑयल के जितने भी कॉमन ब्रांड्स मिलेंगे वो सभी या फिर सब नहीं कहूँ तो करीब करीब 99% जो ऑयल है ब्रांड्स है वो रिफाइंड ही होते हैं। इसलिए बहुत देखभाल कर आपको इसे या किसी और दूसरे ऑयल को फिर से परचेज करना है। कि आप गांव देहात में जाकर के छोटे टाउन में जाकर के इस तरह का कोल्ड प्रेस्ड टेक्निक से जो निकाला जाता है तेल को उसी को आप खरीदें तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा, यानी कि सरसों का तेल का। मस्टर्ड ऑयल दोस्तों इंडिया में बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला ऑयल है, जिससे करीब करीब 18% पॉपुलेशन खास तौर पे नॉर्थ इंडियन काफी ज्यादा यूज करते हैं। मस्टर्ड ऑयल प्योर हो और अनडिफाइंड हो तो बेशक एक हेल्दी ऑप्शन होता है खाना बनाने के लिए, लेकिन मस्टर्ड ऑयल को लेकर के कई सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं जिनके चलते यूएस, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे यूरोपियन देशों ने मस्टर्ड ऑयल को खाना पकाने के लिए बैन किया हुआ है। ये कंट्रोवर्सी एक्चुअल में स्टार्ट हुई 40 साल पहले जबकि एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें पाया गया कि सरसों के तेल के अंदर पाया जाने वाला इनोसिक एसिड दिल को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसके बाद और भी कई सारे रिसर्चेस हुए जिसमें कुछ जानवरों में हुई कुछ इंसानों में हुई, जिसमें पाया गया कि सरसों का तेल इंसानों के लिए नुकसानदेह नहीं है बल्कि अच्छा है। इस कंट्रोवर्सी को लेकर साइंस डायरेक्ट पर एक रिसर्च भी है, इंटरेस्टिंग बहुत ही है, अच्छी रिसर्च है, इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि ये हमारे लिए क्यों अच्छा होता है। शॉर्ट में कहूँ तो मस्टर्ड ऑयल भी एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है हम इंडियंस के लिए, क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसलिए फ्राई करने के लिए चीज़ों को ये भी एक आइडियल ऑयल है। वैसे फ्राई चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, मैं मना करता हूँ हमेशा और अभी भी मना कर रहा हूँ, बट स्टिल कभी भी आपको कुछ फ्राई करना हो फिर ऐसी कंडीशन आए कि करना ही है तो मस्टर्ड ऑयल आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑयल का ऑप्शन आता है, क्योंकि फ्राई करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। लास्टली बात करते हैं कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल। दोस्तों आयुर्वेद ने कोकोनट ऑयल को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। इसमें मीडियम सीड्स ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो कि आसानी से डाइजेस्ट होते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि ताकत आती है बॉडी में। कोकोनट ऑयल खाने से कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में ये हेल्प करता है, दिमाग को आपके तेज बनाता है, स्किन हेल्थ इंप्रूव करता है और बालों के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये कुकिंग के लिए काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है प्रोवाइडेड कि ये रिफाइंड ना हो और ये प्योर हो और इसको ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल ना करें। दोस्तों कुकिंग ऑयल्स को लेकर के मैंने आपको कोशिश की है कि आपको सही सही जानकारी दे दूँ जो कि साइंस बैक, और इस वीडियो में मैंने आपको ऑयल्स के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स बताए हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी ऑयल चाहे कितना भी अच्छा हो उसको हमेशा मॉडरेशन में भी आपको लेना है, क्योंकि ज़्यादा लेने से इसका उल्टा असर भी हो सकता है। और यही ऑयल जो कम क्वांटिटी में आपके लिए अच्छे हैं फ़ायदा करते हैं वही ज़्यादा क्वांटिटी में लेने से आपकी सेहत को नुकसान भी कर सकता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए चैनल को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं इस तरह का वीडियोस जब भी बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप देख सकें। थैंक यू।